ਮਾਤ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਜੀ ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ ਫਰਨੀਚਰ ਜੀ ਬਿੰਗ ਕਰੇ ਜੜਿਆ ਉਹ ਉਰਦੂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿਆ ਫਰਨੀਚਰ ਕੀ ਬਿੰਗ ਕਰ ਦਿਏ ਫਰਨੀਚਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਇਸਕਾ ਹਮ ਬਿੱਲ ਲੈਤੇ ਬਨਵਾਏਗਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਪੁੱਛਤਾ ਹੈ ਯਾਰ ਪੁੱਛਤਾ ਹੈ ਬਤਾ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਕਿਆ ਬੱਚੋਂ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੜਾਤਾ ਕਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੂੰ मास्टरों की यूनियन का सदर यूनियन में आने का मतलब क्या है मैंने पढ़ाना नहीं है यार तू अजीब सवाल करता है इस फर्नीचर का भी अभी मैंने 3.5 लाख रुपए बिल लिया है बेच भी दिया बन भी गया फर्नीचर ऐसे ही पड़ा हुआ है बस यूनियन का मतलब क्या है मैंने खाओ सो जाओ जाना नहीं है जो होगा कयामत के दिन देखा जाएगा तो बच्चे बच्चे को नहीं आते क्या पढ़ा देने कितने बच्चे नहीं आते स्कूल में है कितने बजे जब हम ही नहीं जाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे उनको पता है साईं खुद ने भागा है तो हम कैसे जाएंगे तो मतलब है अरे बड़े कितने तेरे जैसे ऐसे अस्पताल जो स्कूल भी नहीं जाते कैलकुलेटर करे बात कैलकुलेटर तुम्हारा हैंग हो जाएगा कितने मास्टर है तुम किस किस को समझाओगे तो ये बायोमेट्रिक कोई क्षेत्रीय कल्याण बायोमेट्रिक वो जो मशीने है ना उसमें हमने अपने अंगूठे कट के उस पटेल को 500-500 महीने में देते है वो खुद ही फिगर लगाता है बस टेंशन है ही नहीं तुम और कोई कचहरी करो ये मास्टरों के मधु को छोड़ दो मेरे जैसे लाखों हैं अगर सुधर जाए ना ये हमारा मुल्क फेरस हो जाए मगर हमारे पाकिस्तान में 100 तो यही सोचते हो बाबा सुबह को उठे रुको डोकड़ पासे में पड़े हो इसीलिए हम पीछे हैं सबसे गांव वाले पूछते नहीं है आपसे कोई गांव वाले सातरे आदमी उनको क्या पता क्या होता है सही गांव वाले क्या पूछेंगे हमसे सही भाई एसएमसी वाली बजट आती है इतने पैसे उस्ताद उनकी सैलरी तो आपकी माशाल्लाह लाखों में होगी फिर ये क्या कर रहे हो आप लोग लाखों में तो है हम भी ऊपर भी दे रहे हैं सही लोग हम तो खा रहे हैं यार अजीब सवाल कर रहे हो तुम जो साफ ही दोस्त हो चल को याद है उसको ऐसा फंसाते हो मेरे पुराने यार हो तुम भी तो मास्टर थे साफ ही क्यों बने हो इसीलिए तो बने हो ड्यूटी नहीं करे ये ऐसे जुगा चल रहा है अगर मेरे तुम पोल खोलोगे तो मैं तुम्हारे भी पोल खोलूंगा मेरे भाई पंजाब की तालीम कितनी जबरदस्त है वहाँ पे भी उस्ताद उबारो देखा है वो रोड एक ही है इधर सिंध पुलिस की चौकी की रात करोगे तो तुम्हारे को 60 की स्पीड पे चलने का अगर पंजाब वाली चौकी की रात करते उस रोड पे चलो तो 120 पे जाओगे यही तो फर्क है कि उधर पूछा है इधर पूछा नहीं है तो फिर वडेरे और ये पार्लियामेंटेरियन भी आपको पूछते होंगे ना कल वो आप इलेक्शन में आएंगे तो फिर कैसे करोगे हम उनके ही तो आदमी है हमसे कौन पूछेगा हमसे गड़बड़ करेंगे तो फिर ये पोलिंग कैसे कटेंगे फिर इनको कौन ये जीतवाएगा फिर ये कैसे काम चलेगा हम ही तो थप्पे में थप्पा फिर बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा अल्लाह है उनका अल्लाह है भाई बात सुनो अगर ये हमारे को अच्छी बजट दे ना देखो इस मुल्क का सदर भी प्राइमरी में पढ़ता था इस मुल्क के बड़े बड़े वजीर भी सरकारी स्कूलों में पढ़े अगर ये हमारे स्कूलों में चेंजिंग आ जाए शक्ति हो जाए ना तो हम पढ़ाएंगे फिर इधर एयर कूलर भी लगेंगे फिर वो मिनरल वाटर पानी भी आएगा डीसी का बच्चा पढ़ेगा एसपी का पढ़ेगा मुख्तियार खान का पढ़ेगा एमपी एमएलए का बच्चा पढ़ेगा ऑटोमेटिक स्कूल में चेंजिंग आ जाएगी हर चीज साफ सुथरी आएगी हमको पता है वो प्राइवेट स्कूल के शौकीन है अपने बेचे इधर बच्चे बेचेंगे नहीं उनको पता है इनको बच्चों हमारे को वायरस लग जाएगा इसीलिए इस वायरस को हम खा रहे हैं कोई तो आपके भी प्राइवेट स्कूल है सुना है मेरे मैं इधर आता हूँ 10 दिन के बाद मेरा है ही फोकस अपने प्राइवेट स्कूलों पे क्योंकि मेरी ओरिजिनल रोजी वो लाखों रुपए उधर से आते हैं तो फिर खाली आप ये पैसों इससे अच्छा है कि दुगना कर लो ना क्या करूँ सीधे का दुकान खोलूँ परचून का दुकान खोलूँ और क्या जो मेरे टीचर इधर सरकारी ड्यूटी नहीं करते वो शाम को मेरे प्राइवेट स्कूल में करते हैं उनकी तनख्वाह डबल डबल हो जाती है ये मेरे आइडिया है भाई आप कौन सी चेंजिंग लाओगे यार तुम छोड़ो मेरे जैसे सवाल नहीं करो अल्लाह से दुआ मांगो जब इस मुल्क का लीडर हाई फाई आ जाएगा ये खुद ही चेंजिंग आएगी जब लीडर ऐसा ही होगा तो हमारे जैसे भी ऐसे ऑफिसर विजिट तो करने आते होंगे ना आपका वो आते हैं मेरे घर पे आते हैं स्कूल थोड़ी आते हैं मेरे घर पे आते हैं मुर्गी खाते हैं उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ गिफ्ट देता हूँ बम्बई बेकरी के 10-10 केक गाड़ी में डालता हूँ
राजी हो जाता है यार, तो क्या पूछ रहे हो ओबा, मेरे से इंक्वायरी नहीं करो, अगर मैं खुलूंगा तो फिर सारा काम उलट पुलट हो जाएगा। बंद कर दो भाई, बंद करो भाई, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो, अल्लाह है पाकिस्तान का, बंद करो भाई, बंद।